हेलो दोस्तों, नोटिफाई नॉलेज में आपका स्वागत है। और फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप 2022-23 के बारे में। फ्रेंड, यहां पे हम आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो लगातार और बार बार यही कमेंट कर रहे हैं कि सर, मेरे फॉर्म को वेरीफाई हुए मतलब 2 महीने हो गए हैं, 3 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक मेरी स्कॉलरशिप नहीं आई है, ठीक है ना। और यहाँ पे बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनके फॉर्म को बेवजह रिजेक्ट कर दिया गया है, तो उनका यही कहना है, वो लोग वही बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर, मेरे हमको रिजेक्ट कर दिया गया है, क्या हमारे पास अभी उम्मीद है, मेरे पास क्या चांस है स्कॉलरशिप पाने का। तो यहाँ पे फ्रेंड, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि इन छात्रों की जो छात्रवृत्ति है 31 मार्च तक उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी, और इस बार जो है इस सत्र 2022-23 वाले सत्र में किन छात्रों की जो छात्रवृत्ति है नहीं आने वाली है, और यहाँ पे 1 अप्रैल के बाद किन छात्रों की जो छात्रवृत्ति है उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। तो यहाँ पे फ्रेंड आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाले हैं। तो जो लोग भी नए होंगे या फिर मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग को पता है कि हमने यानी कि कल के डेट में 22 मार्च के डेट में हम एक ट्विटर कैंपेन चलाए थे, जिसका रिस्पांस बहुत बढ़िया था और इसमें बहुत ज्यादा छात्रों ने पार्टिसिपेट किया था, आपको उसको हम दिखा दे रहे हैं। तो फ्रेंड, ये रहा हमारा कैंपेन जो हमने यूपी स्कॉलरशिप के लिए चलाया था, और यहाँ पे हमारा जो मेन मोटो था #UPScholarshipReleaseKaro, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारे बच्चे जो है पार्टिसिपेट किए थे, और यहाँ पे जो है योगी जी को और उनका जो ऑफिस मतलब यूपी गवर्नमेंट को और जो भी योगी जी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उनको टैग किया गया था। तो जितने भी छात्र थे मतलब योगी जी को टैग किए थे, यूपी गवर्नमेंट को टैग किए थे, और जो समाज कल्याण डिपार्टमेंट है उसको भी टैग किए थे, ठीक है। तो आपको हम बता दें, इस एक अभियान के माध्यम से आप लोग को हम आश्वस्त कर दें कि इस अभियान से थोड़ी बहुत भनक योगी जी को और उनके जो डिपार्टमेंट है, कर्मचारी है, उनको लग गई होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो काम है हो सकता है मे बी कि थोड़ा बहुत तेज हो के, क्योंकि इस कैंपेन में इक्का दुक्का लोग पार्टिसिपेट नहीं किए थे, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट किए थे, और मैं उन सभी छात्रों को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इस कैंपेन का हिस्सा बने। तो फ्रेंड, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो बार बार और लगातार यही कमेंट कर रहे हैं कि सर, स्कॉलरशिप कब तक आएगी, स्कॉलरशिप कब तक आएगी, स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आई, ठीक है ना, आएगी भी या फिर नहीं आएगी। तो आपको बताते, देखिए, स्कॉलरशिप तो 100% आएगी, ठीक है ना, यहाँ पे 100% स्कॉलरशिप आएगी। स्कॉलरशिप ये लोग रख के पचाएंगे कहाँ पे, ठीक है ना, ये लोग रखेंगे कहाँ पे, क्योंकि इनको जवाब भी देना होता है भले से, मतलब मान के चलिए, जैसे कि आपको बताते हैं कि यहाँ पे 74 लाख स्टूडेंट का फॉर्म जो है कॉलेज लेवल से फॉरवर्ड हुआ है, और यहाँ पे 74 लाख जो स्टूडेंट है एलिजिबल है, तो यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे 5% स्टूडेंट का जो स्कॉलरशिप है वो मिला है, बाकी यहाँ पे जो 95% छात्र है ना, अभी तक उनको स्कॉलरशिप नहीं मिला है। तो इनको स्कॉलरशिप देना मजबूरी है, ठीक है ना, किसी भी तरीके से दें, एक ही दिन दें, लेकिन देंगे यो। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, जैसा कि आप लोग को हम मतलब जैसा कि हमने आप लोग को बताया था कि 20 मार्च को मतलब 20 मार्च तक या फिर 20 मार्च से पहले पहले स्कॉलरशिप आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो समाज कल्याण डिपार्टमेंट है इस टाइम टेबल पे खरी नहीं उतरी, इन्होंने खुद अपना टाइम टेबल जारी किया लेकिन उसके अकॉर्डिंग ये लोग काम नहीं किए। लेकिन आपको यहाँ पे हम 2 नोटिस दिखाने वाले हैं, जिन छात्रों का फॉर्म वेरीफाइड कर दिया गया है DW की तरफ से और बैंक की तरफ से, उनके लिए क्या नोटिस है आप लोग को दिखा रहे हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जनपद के समस्त शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधक, प्राचार्य, प्रधानाचार्य एवं छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूर्व दशम व दशमोत्तरी छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि वितरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जो दिनांक 31/3/2023 तक पूर्ण मतलब कर ली जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये डेट जो है बढ़ा के 31 मार्च 2023 कर दिया गया है, और 31 मार्च से पहले पहले जो भी एलिजिबल छात्र हैं उनके अकाउंट में मतलब पैसे जो है वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे देखिए, स्क्रॉल डाउन करते हैं और ये जो डेट है आपके सामने 22 मार्च 2023, ठीक है ना, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यानी कि 22 मार्च के डेट में ही ये पब्लिश किया गया है। और आपको एक और नोटिस हम दिखा दे रहे हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, सामान्य वर्ग, दशमोत्तरी छात्रवृत्ति वर्ष 2022-23 योजना के अंतर्गत आवश्यक सूचना, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, सभी के लिए नोटिस है, कोई ये नहीं कहेगा कि मतलब यहाँ पे अनुसूचित जनजाति वाले नहीं है या फिर माइनॉरिटी वाले नहीं है, तो यहाँ पे सभी के लिए नोटिस है, ठीक है।
ठीक है, यहाँ पे क्या कहा गया है आपको हम स्क्रोल डाउन करके दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि जिन छात्रों का फॉर्म जो स्टेटस है वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी प्रदर्शित हो रहा है, उन छात्रों का जनपद स्तर से किसी भी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। ओके, और छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि 31 मार्च, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 31 मार्च 2023 तक शासन निदेशालय स्तर से बजट की उपलब्धता के आधार पर अंतरित की जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जिन भी छात्रों का फॉर्म वेरीफाइड कर दिया गया है उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब आप लोग का जो नया टाइम टेबल यहाँ पे मिला है 31 मार्च मिला है, अब देखिए ये बढ़ता है या फिर नहीं बढ़ता है ये तो समय बताएगा, लेकिन अब जो टाइम टेबल जारी किए हैं यहाँ पे 31 मार्च की बात कही गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे किसी भी छात्र को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है जिनके भी करेंट स्टेटस में वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी प्रदर्शित हो रहा है वो लोग थोड़ा सा वेट करें। जैसे कि आप लोग को बता दें आज है 23 मार्च, अब यहाँ से मिला जुला के 7 मतलब एक हफ्ते का दिन बचा हुआ है, ठीक है ना। तो एक हफ्ते के अंदर जो होना है आर या पार की लड़ाई है, अगर मिलना रहेगा तो मिलेगा, नहीं मिलना रहेगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो जैसे आप लोग उतना दिन वेट किए हैं वैसे कुछ दिन और वेट कर लीजिए, यहाँ पे 7-8 दिन की बात है। जैसा कि यहाँ पे आपको हमने 2-2 नोटिस दिखाया और वहां पे साफ साफ यही मेंशन किया हुआ है कि 31 मार्च से पहले पहले, 31 मार्च को नहीं 31 मार्च तक या फिर 31 मार्च से पहले पहले, तो मतलब जितने भी पात्र छात्र हैं एलिजिबल छात्र हैं ठीक है तो सबको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, किसी भी छात्र को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सभी लोग अपना जो है करेंट स्टेटस चेक करते रहिए और PFMS पे अपना जो है अमाउंट भी चेक करते रहिए। ओके, तो फ्रेंड यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं रिजेक्ट वालों के मतलब रिजेक्ट वालों के लिए कि उनकी स्कॉलरशिप आने के मतलब चांस है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग के सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पे जो रिजेक्शन का कारण है यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं। तो आपको हम बता दें दो स्टेटस को छोड़ के जिनकी वजह से उनके फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है। पहला यहाँ तो मतलब रिजेक्टेड बाय बैंक, ठीक है ना, रिजेक्टेड बाय बैंक की वजह से अगर आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है, और दूसरा जो है इंस्टीट्यूट नॉट वेरीफाई बाय अफिलिएटेड एजेंसी वाले छात्रों का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। देखिए इन दो स्टेटस वाले छात्रों को छोड़ के अगर आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है किसी भी कारणवश, या तो मार्क मिसमैच कर दिया गया है, या तो एनरोलमेंट नंबर मार्क नॉट मैच वाली प्रॉब्लम है, मतलब एवरीथिंग ठीक है ना, कुछ भी करके रिजेक्ट कर दिया गया है, तो इस सत्र आपकी स्कॉलरशिप नहीं आने वाली है। प्रेजेंट टाइम में दो स्टेटस को है जो रिजेक्ट कर दिया गया है उनके पास बहुत ज्यादा चांस है स्कॉलरशिप पाने का। जो लोग अपना बैंक में NPCI मैपिंग करा लिए थे उसके बावजूद भी उनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है उनके पास एक बार चांस है स्कॉलरशिप पाने का। और सेकंड वो लोग जिनका जो है इंस्टीट्यूट नॉट वेरीफाई बाय अफिलिएटेड एजेंसी के कारण उनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया था, ठीक है ना। तो इन दो स्टेटस वाले छात्रों को छोड़ के आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है किसी भी कारणवश, कोई भी रीजन बता के रिजेक्ट कर दिया गया है, तो आप लोग के पास अब कोई भी उम्मीद नहीं है स्कॉलरशिप पाने का। आप लोग 2022-23 के से स्कॉलरशिप से वंचित है, ठीक है ना। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने आपको बता दिया है किन छात्रों की जो छात्रवृत्ति है 31 मार्च के पहले पहले या तो 31 मार्च तक उनके बैंक अकाउंट में आ जाएगी, और यहाँ पे किन छात्रों को जो छात्रवृत्ति है इस सत्र नहीं मिलने वाली, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किन छात्रों की जो छात्रवृत्ति है 1 अप्रैल के बाद उनके बैंक अकाउंट में आएगी। तो फ्रेंड ये आप लोग के सामने न्यूज है, ये न्यूज तो पुराना है लेकिन ये बहुत ही कारगर है। यहाँ पे आप लोग साफ साफ देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि SC के छूटे छात्रों को अगले वित्त वर्ष में हो सकेगी शुल्क भरपाई। तो अगला वित्त वर्ष जो है यहाँ पे 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो भी SC के छात्र हैं उनका फॉर्म जो देखिए बहुत सारे SC के स्टूडेंट ऐसे थे जिनका फॉर्म करीब यहाँ पे देखिए 1 लाख छात्रों का मतलब जो डाटा था PFMS मतलब बैंक की वजह से, मतलब बैंक उन्होंने सब कुछ सही फिलअप किया था, अपना जो NPCI मैपिंग है उसको भी करा लिया था, लेकिन उसके कारण मतलब उसके बावजूद भी उनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पे उन्हीं के लिए कहा गया है कि जो भी SC के छात्र हैं जो लोग मतलब PFMS की वजह से उनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है उनकी जो शुल्क भरपाई है और उनका जो फीस है जो भी उनकी स्कॉलरशिप है वो अगले वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल के बाद उनके बैंक अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। इसके अलावा आपको हम बता दे रहे हैं देखिए अगर जिन भी छात्रों का फॉर्म जो है रिजेक्टेड बाय बैंक की वजह से मतलब रिजेक्ट कर दिया गया है तो उन छात्रों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे समाज कल्याण डिपार्टमेंट की तरफ से इसके पहले एक नोटिस निकाला गया था और जहाँ पे साफ साफ यही कहा गया था कि जो रिजेक्टेड बाय बैंक वाले छात्र हैं जो चाहे OBC के हों चाहे SC के हों चाहे ST के हों चाहे माइनॉरिटी के हों आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो अगर आपका फॉर्म जो है रिजेक्टेड बाय बैंक की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया है तो उनके पास एक मौका है
अभी भी जो है जो पोर्टल है ये ओपन किया जाएगा एक दिन के लिए, दो दिन के लिए, जब भी ओपन किया जाएगा। और जो भी छात्रों का फॉर्म मतलब रिजेक्टेड बाय बैंक की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया था उनको मतलब वेरीफाइड किया जाएगा। तो जिनका भी रिजेक्टेड बाय बैंक शो हो रहा है वो लोग थोड़ा सा वेट करें, जो भी पोर्टल है जब ओपन होगा तो आपको यहाँ से प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो भी जानकारी होगी आपको मिल जाएगी। ओके, इसके अलावा एक स्टेटस और है उसको भी आपको हम दिखा दे रहे हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक फॉर्म है रिजेक्ट कर दिया गया है, रीजन क्या बताया है, इंस्टीट्यूशन नॉट वेरीफाई बाय अफिलिएटेड एजेंसी। ठीक है, तो इनके पास भी अभी एक मौका है, यानी कि आपको हम बता दें कि दो स्टेटस आपको हम दिखाए हैं, जो रिजेक्टेड बाय बैंक वाली प्रॉब्लम थी और यहाँ पे इंस्टीट्यूट नॉट वेरीफाई, इन दोनों का जो पोर्टल है एक ही बार ओपन किया जाएगा एक दिन के लिए या फिर दो दिन के लिए। तो जिनका भी इंस्टीट्यूट नॉट वेरीफाई वाली प्रॉब्लम है, तो जो कॉलेज है मतलब यूनिवर्सिटी है वो बच्चों का डाटा दोबारा जो है एनआईसी को सौंपेगी, तो वो डाटा फिर से लॉक होगा और उसको दोबारा वेरीफाइड किया जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है देखिए अब मार्च में तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मार्च में अब डिस्ट्रीब्यूशन का काम होगा जिनका फॉर्म वेरीफाइड कर दिया गया है। अब बचेंगे जैसे रिजेक्ट वाले छात्र होंगे और जिनका इंस्टीट्यूट नॉट वेरीफाई वाली प्रॉब्लम है, तो इनका जो पोर्टल है ओपन किया जा सकता है अप्रैल में, ठीक है ना, अप्रैल में पोर्टल ओपन होगा एक दिन के लिए, दो दिन के लिए, मतलब पोर्टल जो है ओपन किया जाएगा और इनके फॉर्म को वेरीफाइड किया जाएगा। जब इनका फॉर्म अप्रैल में वेरीफाइड होगा तो लाजमी है इनकी स्कॉलरशिप अप्रैल में भी आने वाली है, ठीक है ना। और जैसा कि इसके पहले हमने आपको न्यूज भी दिखाया है, तो फ्रेंड आई थिंक आपको जानकारी हेल्पफुल लगी होगी, वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ऐसी ही जानकारी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।